नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर मानस पर सियासत से जुड़ी हुई है। चूंकि आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी गोरखपुर पहुंचे हैं और अब वे भी इस राजनीति में कूद पड़े हैं। उनका कहना है कि अगर किसी समाज के बड़े तबके को अगर किसी शब्द से अगर आपत्ति है या उनको अपमान महसूस हो रहा है तो ऐसे शब्द को रामचरितमानस से निकाल देना चाहिए, ऐसी पंक्तियों को निकाल देना चाहिए। वहीं उन्होंने भाजपा और संघ को एक ही सिक्के का दो पहलू बताते हुए कहा है कि दलित वोट बैंक की राजनीति के लिए सियासत की जा रही है और अगर मोहन भागवत दलितों के इतने बड़े हितैषी हैं तो वो जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात क्यों नहीं करते हैं। और उनका कहना है कि केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार भी जाति व्यवस्था को खत्म करने पर काम क्यों नहीं कर रही है। दूसरी खबर, लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के बीच होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़ी हुई है। चूंकि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 64,000 करोड़ का जो लक्ष्य है उसके लगभग करीब पहुंच चुका है और 61,000 करोड़ के निवेश का जो खाका है वो तैयार हो गया है। 280 उद्यमियों ने निवेश का प्रस्ताव रखा है और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण इससे काफी हर्ष में है, खुशी में है। चूंकि ये काफी बड़ा जो लक्ष्य है उसे इसे पार कर लिया, पार करने के करीब गीडा पहुंच चुका है। और सबसे खास बात यह है कि 280 उद्यमियों के इतने बड़े 61,000 करोड़ के निवेश से लगभग 50,000 लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ जाएंगे। यही वजह है कि इन्वेस्टर समिट में भाग लेने वाले इन उद्यमियों का जो हौसला है वो भी बुलंद हो गया है। तीसरी खबर तथागत की महापरिनिर्वाण स्थली से जुड़ी हुई है। चूंकि कुशीनगर को कपिलवस्तु से जोड़ने के लिए लगभग 91 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाए जाने का जो प्रस्ताव है वो इस वित्तीय वर्ष के बजट में पास किया गया और सबसे बड़ी बात यह कि 4 साल में कुशीनगर को कपिलवस्तु से जोड़ दिया जाएगा। इससे नेपाल के लुम्बिनी यानी जो महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है वहां तक जाने का जो मार्ग है वो भी काफी आसान हो जाएगा और बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से और उनकी जन्म स्थली तक का जो सफर है वो करने में सुविधा होगी। और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन भी जुट गया और इसके बजट आते ही इसका कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा और 4 वर्ष के बाद रेल लाइन से इन दोनों स्थली को जोड़ दिया जाएगा। चौथी खबर पूर्वोत्तर रेलवे की उपलब्धि से जुड़ी हुई है। चूंकि पूर्वोत्तर रेलवे ने इस वित्तीय वर्ष में 36 मिलियन ऊर्जा की बचत की है और 26 करोड़ रुपए का राजस्व भी बचाया और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूर्वोत्तर रेलवे को ये सफलता रेल के इंजन पर ब्रेक लगाने से मिली है, यानी अत्याधुनिक तकनीक से बने हुए लोकोमोटिव के जरिए इसमें सफलता हासिल की गई है। चूंकि ये लोकोमोटिव गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं, यानी रेल चलाने वाला या ट्रेन चलाने वाला लोको पायलट जितना ब्रेक लगाएगा उतनी ही गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी। पांचवी खबर अपराध से जुड़ी हुई है। कैंट थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास नीलकंठ होटल में एक नेपाली युवक की लाश मिली है और लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। जब कैंट इंस्पेक्टर शशिभूषण राय अपने दल बल के साथ वहां पर पहुंचे तो पता चला कि दरवाजा अंदर से बंद था। जब इस दरवाजे को खोला गया तो एक नेपाली युवक की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी और वहां पर देसी शराब की 6 शीशियां भी थी जिनमें 4 शीशियां खाली थी। नेपाली युवक के मुंह से झाग निकला हुआ था और उसकी पहचान राजू शर्मा के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि उसकी मौत अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से हुई है। राजू शर्मा के आधार कार्ड के आधार पर वो दमन दीव का रहने वाला था और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 फरवरी से ही वो होटल के कमरा नंबर 108 में रुका हुआ था, लेकिन अब पुलिस उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और उसके परिजनों को इसकी सूचना दे चुकी है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।